गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर टॉपिक इंडिया एंड द फॉरेन ट्रेड, राइट? इट इज़ योर थर्ड चैप्टर इन योर इकोनॉमिक्स बुक, द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड वी आर गोइंग टू डू इट टुडे, स्टार्ट टुडे, दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड, राइट? अब समझते हैं कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, एंड इफ वी आर डिस्कसिंग टुडे इंडियाज फॉरेन ट्रेड, देन वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द ईयर 1950 टू 1991, राइट? सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। द टर्म फॉरेन ट्रेड मीन्स दैट व्हेन अ कंट्री बाइज और सेल्स, व्हेन अ कंट्री बाइज और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, राइट? एक कंट्री है हमारी, जैसे इंडिया है, और ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया है कि अगर जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं तो हमारी कंट्री को हम लोग होम कंट्री कहते हैं और बाकी दुनिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, ये सब हमारे लिए हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इसको हम, इससे हमको कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिया हमारी होम कंट्री और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? सो इफ वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो कहलाता है इम्पोर्ट, and if we are exporting goods to the rest of the world then it is known as export, ठीक है? ये दो तरीके के हमारे ट्रेड होते हैं, या तो इम्पोर्ट होगा या फिर एक्सपोर्ट होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मीन्स ड्यूरिंग द 1947 पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, तब हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था उसको और समझ लेते हैं। देखिए उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में तो समझा ही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बट आज थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल में कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी विट वॉज हैवीली एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अभी समझते हैं कि नुकसान कैसे पहुंचाया था, राइट? देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने हमारी जो कंट्री थी उसको सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि इंडिया उनके लिए क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स थी, एक ऐसी जगह जहाँ से वो रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, आयरन एंड ऑल अदर मेटल्स एंड ऑल द अदर मिनरल्स वर इन अ लार्ज क्वांटिटी, और उनका जो देश है यूरोप वहाँ पर तो मिलता नहीं है। सो क्या हुआ दैट ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड इंडिया एज अ सोर्स ऑफ देयर रॉ मटीरियल। सो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से क्या करते थे, दे यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, और रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया से दे यूज टू इम्पोर्ट द फिनिश गुड्स, दे यूज टू इम्पोर्ट द फिनिश गुड विद इन इंडिया, वहाँ से अपने ब्रिटेन में उन्होंने मैन्युफैक्चर करा उसको, ब्रिटेन में उसको बनाया फिनिश गुड, फिर बाद में उसको वहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया, राइट? सो ये हमारा पहला जो है एक वो था कि जब हमारे ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने ये किया था कि दे एक्सप्लॉयटेड द ब्रिटिश रूल। एंड जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर हमारा एक चीज़ होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हम समझेंगे आगे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था उस समय सरप्लस में था। बैलेंस ऑफ ट्रेड आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जितना हमारे देश का एक्सपोर्ट हुआ और जितना हमारे देश के अंदर इम्पोर्ट हुआ, तो वो उसका जब हम माइनस करते थे तो हमारा क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट? अब अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है तो क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, राइट? उस समय क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है, तो कहलाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सरप्लस में है। आवर फॉरेन ट्रेड वॉज कन्फाइंड टू ओनली वन कंट्री, डैट इज ब्रिटेन, और हमारा जैसे मैंने बताया कि हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, बट
उस टाइम पे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, क्योंकि हमारा जितना भी काम था, जितना भी बिजनेस था, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से होता था जिसका नाम था ब्रिटेन, राइट। सो हमारा सबका सब काम कहाँ से होता, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड शोड अस अ बैकवर्ड इकोनॉमी, कि हमारी जो कॉम्पोजिशन थी वो कैसी थी, कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, और इम्पोर्ट क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स, राइट। सो इसी वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा अच्छा नहीं था, राइट। ये तो इंडिपेंडेंस की बात रही। अब बात करते हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड को कैसे कैसा था और उसके क्या क्या पॉलिसीज थी, राइट। तो मैंने बताया कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम दो तरीके से बांट सकते हैं। वन इज बिफोर 1950 एंड अदर इज आफ्टर, दैट इज द टाइम पीरियड इज आफ्टर 1950 एंड बिफोर 1991, मतलब 1950 से 91 के बीच में। अब उसमें क्या होता था, उस समय क्या था कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो जो है डिक्लाइन हो गया था, राइट। हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा था उसको समझते हैं। तो जो 1950 से 91 का पीरियड था उसके बीच में हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसा था, इसको जरा मिटा दे रहे हैं। और बात करते हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो देखिए जो हमारा फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन था वो कैसा था, कि सबसे पहली बात हमारे तो इससे सबसे पहले एग्रीकल्चर गुड्स ही एक्सपोर्ट होते थे, तो क्या था डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, कि हमारे देश से जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होना कम हो गए, राइट। तो जो है पहले हम लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, फिर बाद में कम हो गया। द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिक्लाइन बिकॉज, अब इसके रीजन समझते हैं क्या क्या थे। इंडिया स्टार्टेड यूजिंग फार्म प्रोडक्ट्स फॉर इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो सबसे पहले इंडिया ओन इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी के लिए ही यूज करने लगा। और सेकंड क्या था कि विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और उससे क्या क्या हुआ कि जब जो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ तो जब अपनी इकोनॉमी के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, अपनी इकोनॉमी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और जो क्या है हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इस वजह से हमारा जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारी खुद की इकोनॉमी के अंदर भी जो है उसका कंजम्पशन ज़्यादा होने लगा, राइट। ये तो एक पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, जो हमारे कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट थे, क्या थे हमारे कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, वो बहुत तेजी से नीचे गिर गए। कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट जो थे हमारे वो नीचे गिर गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो रिसोर्सेज थी, राइट, जैसे पहले हम लोग जो है जूट ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, टी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, फूड ग्रेन ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बट वो जो है हमारा अब जो है कम एक्सपोर्ट होने लगा, बिकॉज हम लोग जो है ज़्यादातर खुद ही कंज्यूम करने लगे, राइट। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट अगर ये चीज़ कम हो रही थी तो एक चीज़ बड़ी भी हमारे, और वो क्या था, परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो था वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जो कि थी 1950 से 1991 के बीच में, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो देखिए हमारी आज की डेट में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ज़्यादातर होती है चाइना के साथ, यूएसए, यूएई, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, बेल्जियम, बट ये तो बहुत सारी कंट्रीज हो गई, आपको नाम इतने सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली नेम डैट यू शुड रिमेंबर इज
चाइना। चाइना हमारा सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टर है, मतलब वो कंट्री जिससे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, डेट इज़ चाइना। जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारा इम्पोर्ट करने वाली कंट्री है। जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ USA, राइट। एंड जिस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बायलेटरल बिजनेस होता है, दैट कंट्री इज़ योर, वो उस कंट्री का नाम क्या है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, वो कंट्री है आपकी सिंगापुर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे सवाल डायरेक्शन की बात हो गई। इंडिया एक्सपोर्ट मेनली टू USA, जो मैंने अभी बात कही, नियरली 15.3%, वाइल टू UAE 11.3%, राइट। सबसे ज़्यादा USA को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, USA के बाद UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम शॉर्ट में दुबई भी कह देते हैं कई बार, बट बहुत सारे देश हैं उसके अंदर, तो UAE। इंडियाज इम्पोर्ट इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, सबसे ज़्यादा हम जो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, राइट। सो ये हमारी थी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।